करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे PSL धन वापसी की स्थिति, उसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने पहले मेरी सबसे आपको एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि PSL से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन मेरी YouTube चैनल पर आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। तो आने वाले आपके कुछ भी क्वेश्चन है वो कमेंट ज़रूर से कीजिए, ताकि उसका जो भी कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेबी ने आज कहा है कि उसे PSL की प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए 8 जगह से ऑफर्स आए हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। जी हाँ, तो सेबी द्वारा कहा गया कि उसको 8 जगह से उसको ऑफर्स आए कि वो आपको प्राइस देने के लिए तैयार है। सेबी ने बड़ी बड़ी फर्म्स को 21 जून का समय दिया था कि PSL की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 21 जून 2018 आखिर तारीख होगी। यह कदम समूह से 60,000 करोड़ रुपए के धन की वसूली के लिए सेबी द्वारा की गए प्रयास का एक हिस्सा था। जी हाँ, संपत्तियों के संबंध में PSL द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मूल्य से अधिक मूल्य की पेशकश करने के इच्छुक इन प्रस्तावों को एक गुप्त कवर में रखा गया है। अप्रैल में PSL ने 2 साल में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए समिति को एक प्रस्ताव दिया था। इनमें से फर्म ने पहले वर्ष में 7,500 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष में 7,500 करोड़ लौटाने के लिए कहा था। ये काउंटर प्रस्ताव महाराष्ट्र स्थित एकाउगो ग्रोवेल्यू मार्केटिंग गार्ड फ्रोस लिमिटेड और सिटी वाइन में है। अभी जो प्रपोजल 8 कंपनी से आए हैं उनमें से बड़े बड़े नाम हैं तमिलनाडु की विजया लक्ष्मी मार्केटिंग, लक्ष्मी मुरुगावन डेवलपर्स, बाबा फुल्स, डेलिस पिक ओवरसीज लिमिटेड और रोहतस दलाल। 2,500 से अधिक राशि वाले सभी इन्वेस्टरों को सेबी ने रिफर फॉर्म फिल करने के लिए कहा है, जिसकी आखिर तारीख थी 31 जुलाई 2019। तो अब तो ये डेट चल चुकी है, अब नई डेट आएगी तो बताएंगे कि भाई कब आएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे भाई धन वापसी के लिए सेबी की वेबसाइट क्या है। तो फ्रेंड्स, सेबी PSL हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 0226121696। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 0226121696। वेबसाइट पर PSL एप्लीकेशन www.sebipslrefund.co.in पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ मोबाइल नंबर के साथ आपकी पॉलिसी का नंबर डालना होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आगे के प्रश्नों के लिए आप टोल फ्री नंबर यहाँ पे जो दिया है वहाँ पे कॉल कर सकते हो, जो सेबी द्वारा दिया गया है। यदि आपका मोबाइल खो गया है तो यदि आप PSL प्रमाण पत्र खो गया है तो उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये थे आज की इस वीडियो। तो आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से कीजिए। और नेक्स्ट में जो भी वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा मैं PSL धन वापसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, तो वो मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो, क्योंकि PSL से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन मेरी यूट्यूब चैनल पर आती रहती है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।